हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? अभी पकड़े अच्छे होंगे। तो मैं अभी मॉर्निंग में जा रही हूँ बस के लिए चीला बनाने। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीला बनाऊँगी। आटा और हल्दी नमक डाल के घोल दिया है और यहाँ पे ब्लैक टी है मेरा, तो मॉर्निंग में ब्लैक टी ही पीती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे इसको मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस चावल है, सॉरी आटा है और हल्दी है, नमक है, बस इसके लिए यही बना रही हूँ मॉर्निंग का जो नाश्ता है। तो यस के लिए आज नाश्ता में यही चीला ही बनेगा इसके लिए। उसके बाद मैं जो खाना बनाऊंगी बताऊंगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ डालने आप डाल सकते हो, कोई वेजिटेबल हो अच्छा सा तो डाल सकते हो। तो ये बच्चे के लिए हेल्दी होता है, अगर आटा का बनाते हो तो ज़्यादा हेल्दी होता है। और यहाँ पर मैंने चाय छान के रख लिया है। चाय में मैं डालूँगी थोड़ा सा पाउडर, जो अमूल का पाउडर है, ये मैं डालूँगी थोड़ा सा हल्का सा। आज मन किया तो टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा इसको डाल लूँगी। तो इसको डाल के मिक्स कर लेना है। तो मैं यही है कि चाय बस सुबह में ब्लैक टी पीती हूँ, जब मेरा मन करता है तब दूध वाला चाय पीती हूँ। तो यही था, थोड़ा सा इसमें था पाउडर, तो मैंने बोला था चलो थोड़ा सा मिला लेती हूँ, तो इस वजह से। और मेरे चैनल पे नहीं हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मेरा चैनल आगे ग्रो करे। और मेरा जो भी वीडियो है, आप लोगों को कैसी रेसिपी चाहिए, कैसा आप लोगों को ट्रिक चाहिए, मैं अलग से भी वीडियो बनाती रहती हूँ कि कोई सब्जी के ऊपर या कुछ भी, तो मैं अलग से बनाती। और यहाँ पे मैंने तवा पे तेल थोड़ा सा लगाया था, तो इसलिए तवा बिल्कुल गर्म हो गया था, तो धुआं निकल रहा था तवा में से। और यहाँ पर मेरा मैंने फ्रंट कैमरे से फिर मैंने अपने यहाँ पे इसको मैं वीडियो को बनाने लगी थी ताकि सामने से दिखे। तो यहाँ पे मैंने तवा पे डाल दिया है। अब मैं बैक कैमरे से इसको शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया और ये तेल डाल के थोड़ी देर, जैसे जो चीला का होता है, जो बेटर हम लोग बना कर रखते हैं, उसको डालने के बाद 5 मिनट के बाद तब जाके आप इसको पलट सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं पलट सकते। और यहाँ पे सारा बर्तन वगैरह धो लिया था, जो भी बर्तन था मैंने सिंक में वो धो लिया था और कुकर वगैरह भी धो लिया था मैंने। तो उस मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन हाँ थोड़ा जैसे पहले उठते ही इसके लिए मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट या कुछ भी होता है तो बना देती हूँ, क्योंकि कुछ खाता नहीं है ज़्यादातर, जो बोलता है मैं बनाती हूँ। चाहे हलवा हो गया, तो कल तो मैं हलवा बनाई थी, हलवा हो गया या चीला हो गया, ये सब मैं बना देती हूँ इसके लिए मॉर्निंग में। हलवा इसको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो आज चीला ही बना देती हूँ। तो ये सिंपल सी रेसिपी है। और कैसे लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसका कुछ खास रेसिपी नहीं होता है, इसका कुछ खास रेसिपी नहीं है, बस सिंपल सा रेसिपी होता है। तो इसका सिंपल सा रेसिपी होता है यहाँ पे। और यहाँ सुबह बहुत जैसे बारिश भी हो रहा था, ऊपर से हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो यहाँ मेरा चीला भी बन के रेडी हो रहा है, चीला भी बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप चीला को बना सकते हैं, आप कोई वेजिटेबल डाल सकते हो, तो इस वजह से ऐसे बना सकते हो। मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको कैसी रेसिपी चाहिए वो भी मेरे को बताइएगा। अगर मैं रेसिपी नहीं बनाऊंगी ना, तो मैं आप लोगों को उसकी जानकारी दे दूंगी कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। तो मैं क्योंकि मैं अलग से भी जैसे वीडियो होता है, जैसे सब्जियों के बेनिफिट्स और फ़ायदे जो भी होते हैं, वो सारा कुछ वैसे मैं वीडियो डालती रहती हूँ। तो आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए कोई भी खाना के ऊपर, तो मुझे बताइए, कमेंट करिएगा, तो मैं वैसा वीडियो खाने के ऊपर ही वीडियो बना सकती हूँ मैं, तो मैं बनाऊँगी। चाहे अगर बनाना हो तो बना सकती हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को रेसिपी बता सकती हूँ शूट करके, शूट किया हुआ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मेरा चीला बन के रेडी हो चुका है और मैंने गैस को भी बंद कर दिया। ये चीला मेरा रेडी है यस को खाने के लिए, और उसके बाद दिखाऊंगी कि मैंने आफ्टरनून में क्या बनाया था।
और बच्चों को ना जितना हो सके हेल्दी खाना खिलाना चाहिए। जैसे मैं तो बेसन का ज़्यादा चीला नहीं बनाती हूँ, मैं आटा का ही चीला बनाती हूँ, क्योंकि बेसन भी सही होता है लेकिन बच्चे के लिए ज़्यादा ही थोड़ा, इसलिए मैं आटा का ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे यश को मैंने दे दिया खाने के लिए, और मॉर्निंग में मैंने 8:30 बजे करीब में बना रही थी चीला, इसको भूख लगी थी। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने खाना मैंने बना लिया था, तो खाना में मैं थोड़ा सा सब्ज़ी ही बनाई थी, और मेरा मन हो रहा था कि सिर्फ सूखा जैसे सब्ज़ी में सिर्फ मसाला डाल के आलू में सब्ज़ी और चावल बनाने का, तो मैंने यही बनाया था। थोड़ा सा मैंने सब्ज़ी बनाया था और चावल, क्योंकि मेरे को मन कर रहा था, सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ मेरा चावल बन के रेडी हो चुका था और चावल सब्ज़ी मैंने बनाया था। बस मैंने थोड़ा सा ही सब्ज़ी, ज़्यादा नहीं बनाई थी मैं, थोड़ा सा ही सब्ज़ी बनाई थी, और मैंने बस इसको थोड़ा सा मसाला डाल दिया था और प्याज और जीरा तड़का दे के इसको भून लिया था। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बना हुआ था, यम्मी। और सारे मसालों को भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और आप इस तरीके से बना सकते हैं, जो आपको मन करे ना थोड़ा आलू का सब्ज़ी अच्छा सा खाने का, तो आप चटपटा आलू का सब्ज़ी इस तरीके से बना सकते हो और बहुत ही यम्मी लगता है। आपको ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप चाहो तो प्याज डालना है तो प्याज डाल दो, मैंने प्याज थोड़ा सा डाल दिया था। तो बस भी थोड़ा सा टुकड़ा, जैसे दो टुकड़े में काट के मैंने इस सब्ज़ी को बनाई थी, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लग रहा था खाने में। आप चावल के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।